नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार और जो चुंबक के गुण हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच सके। अब देखिए, जो हमारा टॉपिक है चुंबक के प्रकार, चुंबक दो प्रकार का होता है। चुंबक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राकृतिक, नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। अब देखिए, आपको नाम से ही पता चला होगा, एक तो होता प्राकृतिक नेचुरल और एक सिंथेटिक मैग्नेट। अब देखिए, जो हमारा प्राकृतिक चुंबक है इसमें क्या कहा गया है कि जो लोहे का अयस्क है, लोहे का अयस्क होता है मैग्नेटाइट, वो प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट जिसका फॉर्मूला होता है टाइट मैग्नेटाइट, आप देख सकते हैं मैग्नेटाइट या मैग्नेटाइट देख। अब देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe3O4। ये जो लोहे का अयस्क है वो प्राकृतिक चुंबक कहलाता है मैग्नेटाइट। और जो चुंबक तथा चुंबक के आकर्षण गुण की खोज, जो चुंबक होता है और जो चुंबक में आकर्षण गुण होता है, आपने देखा होगा कि चुंबक किसी जो हमारे पास लोहे के पदार्थ होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसके जो गुण हैं, चुंबक के गुण तथा चुंबक की खोज की थी यूनान का एक दार्शनिक था जिसका नाम था थेल्स ने। थेल्स नाम का कोई वैज्ञानिक था यूनान का, उसने चुंबक के गुणों के बारे में बताया था या खोज की थी आकर्षण गुणों के बारे में। अब देखिए, जो हमारा सेकंड टाइप्स है कृत्रिम चुंबक। देखिए, कृत्रिम हम ऐसे नाम से पता चल रहा होगा कि कृत्रिम जो हम अपने लैब या और कहीं पर बनाते हैं वो है कृत्रिम चुंबक को। तो देखिए, कृत्रिम चुंबक क्या है, कृत्रिम चुंबक के बारे में कहा गया है कि कृत्रिम रूप से लाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और इसके एग्जांपल है कृत्रिम चुंबक यानी कि कृत्रिम रूप से उपयोग में लाए गए चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए, विद्युत चुंबक, यदि हम कोई विद्युत द्वारा चुंबक को बनाते हैं विद्युत चुंबक या स्थायी चुंबक तो ये हो गए हमारे कृत्रिम चुंबक। क्योंकि हम जो कृत्रिम चुंबक है उसमें, जो विद्युत चुंबक है उसमें किसी प्रोसेस द्वारा हम जो चुंबक उसको जनरेट कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि वो प्रकृति से प्राप्त है, ऐसा नहीं है ना, तो वो विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक कहलाते हैं कृत्रिम चुंबक। अब देखिए, इनके गुणों, जो हमारे पास चुंबक के गुण हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वह है चुंबक के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण। अब देखिए, हम बारी बारी से एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि चुंबक है, आपके पास एक लोहा एक पदार्थ है और एक चुंबक। तो आप जब आप छोटे थे, आप खेलते होंगे चुंबक, यही तरह चुंबक से एक खेल खेला जाता था, हमने तो बहुत खेला। वो देखना कि उसमें आपके पास जो लोहे के कण होते थे उनको वो चुंबक अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था। इसका क्या अर्थ हुआ कि चुंबक में एक आकर्षण का गुण होता है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है आकर्षण गुण, अट्रैक्शन आकर्षण गुण। इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि चुंबक लोहे युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या है कि लोहे युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षण या आकर्षित करता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखिए, ये तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो चुंबक होता है वो दोहे के पदार्थ हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब दूसरा है दिशात्मक। इसका क्या अर्थ हुआ, मान लीजिए ये जो मार्कर है वो एक चुंबक है, तो जब आप इसको एक धागे से बांध कर, जैसे आपने धागा बांध लिया यहाँ पर, फिर इसको जैसे लटकाएंगे ना यहाँ पर,
किधर किधर भी, जैसे इसको आपने इधर लटकाया किधर लटकाया, लेकिन वो लास्ट में जब वो अपनी स्टेबल कंडीशन में आएगा या रुकेगा, तब वो आप देखेंगे कि हमेशा ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। जैसे कि कंपास होता है, कंपास में जो सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर रुकती है, तो उसमें क्या होता है, दिशात्मक गुण होता है। अब देखिए दिशात्मक गुण में आप क्या लिखेंगे कि चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह है हमेशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है या रुकती है, में ठहरती है। ये इसका दिशात्मक गुण हो गया। अब देखिए, अब चुंबक होता है, आपने पढ़ा होगा कि चुंबक में दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। तो जो सिरा कि चुंबक का जो सिरा हमारे पास, मान लीजिए ये चुंबक है, हमने इसको धागे से बांध कर लटका दिया ऊपर जैसे छत पर या कहीं पर भी, तो लास्ट में जब ठहरेगा तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा, तो जो इसका सिरा उत्तर दिशा में है वो कहलाता है एन पोल, नॉर्थ पोल, और जो सिरा दक्षिण दिशा में वो कहलाता है साउथ पोल। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं एस और एन। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा जो थर्ड पॉइंट है वो है कि चुंबक में दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, में दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं। अब जब चुंबक चुंबक को लटकाओगे तो चुंबक का एक सिरा तो ऐसे नॉर्थ में रहेगा और दूसरा साउथ डायरेक्शन में रहेगा, तो जो सिरा साउथ डायरेक्शन में है वो तो कहलाता है एस पोल, और जो सिरा नॉर्थ डायरेक्शन में वो कहलाता है नॉर्थ पोल। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक एन और एक एस। तो इसके बारे में क्या है कि देखिए, जो फर्स्ट है ए एन ध्रुव और जो सेकंड है वो है एस ध्रुव। तो आप क्या कह सकते हो कि जो चुंबक है, इनका जो निष्कर्ष है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो क्या है कि चुंबक एक द्विध्रुव संरचना है, द्विध्रुव संरचना है। अब देखिए जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो क्या है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता समान व ध्रुवता विपरीत होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे एस पोल है और एक नॉर्थ पोल है, एस पोल और नॉर्थ पोल, तो जो इनकी ध्रुव प्रबलता है वो तो सेम है, लेकिन एक तो नॉर्थ डायरेक्शन में है और एक साउथ डायरेक्शन में है, तो इनकी जो ध्रुव प्रबलता है वो ध्रुव प्रबलता समान है लेकिन जो ध्रुवता है वो विपरीत है। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो हम लिख सकते हैं कि चुंबक के दोनों जो हमारे पास दो पोल होते हैं एस पोल और एन पोल, दोनों ध्रुवों ध्रुवों एन व एस की जो ध्रुव प्रबलता होती है, ध्रुव प्रबलता समान, वो तो सेम होती है लेकिन जो इनकी डायरेक्शन है वो विपरीत होती है, समान लेकिन ध्रुवता विपरीत होती है। होती है ये इसके ये इसका फोर्थ पॉइंट हो गया कि चुंबक के दोनों जो ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता तो समान होती है लेकिन जो ध्रुवता है वो विपरीत होती है। अब देखें जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है हमारा पांचवा पॉइंट क्या है कि सजातीय चुंबक के ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय चुंबक के ध्रुवों के बीच आकर्षण लगता है। आपने जो हमारे पास आवेश होते हैं, ये कोई हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं और ये दो नेगेटिव चार्ज हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव है
नेट नेगेटिव है, तो आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव है उनके मध्य, दोनों के मध्य रिपल्सन होता है, नेगेटिव नेगेटिव के मध्य भी रिपल्सन होता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव इन इन दो चार जो इनकी जब जो नेचर है वो अलग अलग है तो उनके मध्य अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर उनकी दो जो नेचर है नेगेटिव चार्ज की वो सेम है, इसलिए इन दोनों के मध्य रिपल्सन होता है। इसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के मध्य रिपल्सन होता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि चुंबक के ध्रुव पर लगता है कि ये जो चुंबक के दो ध्रुव हैं वो सेम नेचर के हैं, तब उनके मध्य जो विपरीत, यदि जो चुंबक के दो ध्रुव हैं वो यदि सेम नेचर के हैं तब तो उनके मध्य रिपल्सन होगा, लेकिन यदि उनकी जो प्रकृति है वो सेम है, सेम नेचर के हैं, तब उन दोनों के मध्य अट्रैक्शन होगा। जो हमारा फिर पॉइंट है वो हम लिख सकते हैं कि सजातीय है, जिनकी जाति एक हो, सजातीय पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव या सजातीय चुंबकीय चुंबकीय ध्रुवों ध्रुवों के बीच, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, सजातीय का मतलब एक एक जैसा चार्ज, एक जैसी नेचर, प्रतिकर्षण हुआ, विजातीय मतलब अलग अलग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जैसे चार्ज है, विजातीय विजातीय चुंबकीय चुंबकीय ध्रुवों के बीच आकर्षण अट्रैक्शन होता है, आकर्षण लगता है। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट आ गया। अब जो हमारा सिक्स है कि आप देख रहे होंगे कि चुंबक कभी भी सिंगल पोल में नहीं रह सकती। आपने ऐसा कभी सुना है कि चुंबक में केवल एक ध्रुव है? नहीं सुना। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं, सिंगल जो ध्रुव है चुंबक में वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मिनिमम दो ध्रुव होनी चाहिए। तो जो हमारा सिक्स पॉइंट है वो क्या है कि जो हमारी एकल चुंबकीय या विलगित एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, दोनों चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। तो लिख सकते हैं सिक्स पॉइंट, एकल एकल चुंबकीय चुंबकीय ध्रुव चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व है, को अस्तित्व नहीं होता, नहीं होता, सिंगल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, ये हमेशा युग्म के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो ये दोनों चुंबकीय ध्रुव युग्म पैर के रूप में होते हैं, युग्म के रूप में उपस्थित रहते हैं। सिंगल जो ध्रुव है उसका जो स्थायित्व एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमेशा पैर के रूप में रहते हैं। और हमारा जो सेवन सातवां पॉइंट है वो कह सकते हैं कि चुंबक को यदि हम पीटते हैं, समय समय के साथ विक्षोभ हलचल होती है व उसमें परिवर्तन में चुंबक का विचुंबकन हो जाता है। तो जो सातवां पॉइंट है उसमें हम बता सकते हैं कि चुंबक का विचुंबकन भी हो सकता है। तो ये थे हमारे जो चुंबक है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अपने दोस्तों को भी बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो। आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। धन्यवाद।